नमस्कार दोस्तों, मैं फैन मीडिया के साथ मैं हिच चौधरी। आज हम कुछ ऐसी मूवीज़ की बात करने वाले हैं जो कि हैकर्स मूवी है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ मूवीज़ के बारे में बात करूंगा जिनमें आप फेवरेट यानी कि हैकर्स हैकर्स की पूरी ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है। हाँ, कैसे कैसे एक हैकर्स एक एनोनिमस इंसान आम आदमी से बिल्कुल हट के दुनिया को देखता है। एनोनिमस बनने से पहले वह एनोनिमस बनने के बाद एक इंसान के लिए दुनिया कैसी हो जाती है। ध्यान रखें, मेरी बनाई गई यह टॉप 3 मूवीज़ की लिस्ट सिक्वेंस वाइज है। नंबर 3, मिक्की वायरस। दोस्तों, यह मूवी हमारे लिस्ट में इकलौती इंडियन मूवी है, आप ज़रूर देखना चाहिए। यह मूवी फ्री में YouTube पर भी अवेलेबल है। यह मूवी पूरी तरह हैकिंग पर आधारित है। इस मूवी में पांच दोस्त होते हैं जो हैकिंग में माहिर होते हैं, और उन्हीं में से एक दोस्त जिसके नाम से ये मूवी है, उसे पुलिस के साथ साइबर अटैक में सुलझाने का काम मिलता है। पर मिक्की मौज मस्ती में अपना काम करता है, एक दिन उसे पता भी नहीं चलता और गलती से वह बैंक अकाउंट हैक करके चोरी कर लेता है। आगे क्या हुआ, वह उस मुसीबत से बच पाया, यह आप पूरी मूवी से देखें। यह मूवी बॉलीवुड स्टाइल में, यह मूवी एक कॉमेडी मूवी है, यह आप पूरी मूवी में देख सकते हैं, कॉमेडी स्टाइल में देखें। और नंबर 2, एनोनिमस मूवी। दोस्तों, यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई, एक बेहद रोमांचक मूवी है जिसमें आपको दवा की मजा आएगा। यह मूवी 2 इन्वेट्स पर बेस्ट है, और फिल्म की कहानी व करेक्टर और सीन्स सब परफेक्ट है। इस मूवी में एलेक्स नाम के इस लड़के की फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब होने के कारण वो इनलीगल काम करने लगता है, और एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप में ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। यह ग्रुप क्रेप बैंकों से मिलियन ऑफ डॉलर चुराने की कोशिश करता रहता है। फिल्म काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादा पुरानी ना होने की वजह से फिल्म के ग्राफिक्स बहुत शानदार है, और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 1, ब्लैक हेड। दोस्तों, यह मूवी 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन टेक्नोलॉजी थ्रिलर मूवी है। मेरे फेवरेट एक्टर्स यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ की है, जिसमें थ्रो मूवी से भी नाम कमाया है। इस मूवी में क्रिस ने नेक नाम के लड़के का रोल किया है। नेक को पुलिस पकड़ लेती है, उसको एक टेररिस्ट में जोड़ा गया है। मूवी में एक टाइम आता है जब नेक पुलिस की मदद करते रहता है, जिसके कारण वो अमेरिका व चाइना की लड़ाई में फंस जाता है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मूवी को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।